क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री, ये 300 नहीं है, 30 डिग्री, एट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर रखा है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। इतना समझ लो कि अगर डाइपोल को 0 डिग्री या 180 डिग्री छोड़ दिया जाए, तो किसी भी डिग्री पे रखोगे, ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो करोगे, टॉर्क मिलबे करेगा, घूमता है ये। देखो ध्यान से, अभी तक नॉन यूनिफॉर्म, देखो ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म है। मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड भी बराबर, लेंथ भी बराबर, ये यूनिफॉर्म है। अब देखो ध्यान से, अगर हमसे एग्जामिनर बोले नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, ऐसे ऐसे, न डायरेक्शन फिक्स है न मैग्नीट्यूड फिक्स है, ऐसा नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब सपोज करो तुमने एक डाइपोल रखा किसी एंगल पे, मान लो एंगल पे, किसी एंगल पे मान लो ऐसे ही रख दिया, कुछ 30 डिग्री पे रखा, कितने डिग्री पे रखा, 30 डिग्री पे मान लो ऐसा रख दिया, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती कहाँ से, प्लस, जाती कहाँ है, माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती कहाँ है, प्लस, जाती कहाँ है, माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती कहाँ है, प्लस, जाती कहाँ है, माइनस। तो इधर कौन सा चार्ज है, माइनस। तो ये माइनस इसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा इस तरफ, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा इस तरफ। अब तुम ही देखो बच्चों क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऐसे है, इधर फोर्स, इधर फोर्स, फुटुक से घूमेगा, घूमा तो टॉर्क आया ना, इसका मतलब टॉर्क तो होबा ही करेगा, और एज वेल एज ट्रांसलेशनल फोर्स भी होगा। देखो फोर्स भी लग रहा है, लग रहा है कि नहीं, और घूम भी जाएगा, ये ऐसे क्या करेगा, घूम जाएगा, तो टॉर्क भी होगा। तो कौन सा आंसर, ए आंसर, ये आईटी का क्वेश्चन है।